तो हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद बढ़िया होंगे और आपका गेम प्ले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, वापस से मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। और गाइस, आज के वाला वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ वुडपेकर के टॉप 5 बेस्ट गन स्किन के बारे में। वैसे तो आप लोग को गेम के अंदर वुडपेकर के बहुत सारे गन स्किन देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं टोटली बात करूँ तो गाइस हमारे गेम के अंदर टोटल वुडपेकर के 7 या 8 गन स्किन होंगे ही। और गाइस उन 7 या 8 गन स्किन मैं आप लोगों को टॉप 5 बेस्ट वुडपेकर की गन स्किन बताने वाला हूं, जो कि यार मेरे हिसाब से वुडपेकर के काफी अच्छे खासे गन स्किन हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं टॉप 5 बेस्ट गन स्किन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस चलो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और गाइस हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वुडपेकर के टॉप 5 बेस्ट गन स्किन के बारे में। लेकिन गाइस यहां पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो गाइस प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि गाइस मुझे भी आप लोग के सपोर्ट का यार काफी ज्यादा जरूरत रहता है। अगर गाइस आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो गाइस कौन करेगा? तो गाइस हो सके तो यार अपने इस भाई के चैनल को भी कोशिश करना कि आप लोग सपोर्ट कर सको। और गाइस वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो यार वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना। तो गाइस चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लिस्ट के सबसे पहले, यानी कि गाइस हमारे लिस्ट के टॉप 5 के बेस्ट गन स्किन के बारे में। तो गाइस मैंने यहां टॉप 5 पे रखा है वुडपेकर के इस क्रिस्टन हेयर गन स्किन को। गाइस ये वाला गन स्किन बहुत दिन पहले हम सभी बंदों को बिल्कुल फ्री में मिला था। और गाइस अगर मैं बात करता हूं इस गन स्किन के एट्रीब्यूट्स का, तो इसके अंदर आप लोग को मैगजीन सिंगल प्लस देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ यहां पे आप लोग को इस गन स्किन के अंदर आर्मर पेनिट्रेशन भी सिंगल प्लस देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस यहां पे मूवमेंट स्पीड को सिंगल माइनस कर दिया गया है। तो गाइस ओवरऑल ये वाला गन स्किन यार मेरे हिसाब से मेरे को काफी ठीक ठाक ही गन स्किन लगता है, क्योंकि गाइस सबसे पहला नंबर बात यह है कि ये वाला गन स्किन सभी बंदों को फ्री में मिला है। तो गाइस आई होप कि ये वाला गन स्किन आप लोगों के पास होगा। और गाइस इसका दूसरा सबसे खास बात यह है कि आप लोग इस गन स्किन से वेस्ट के ऊपर काफी तगड़े डैमेज दे सकते हो। अगर मान लो सामने वाले बंदे ने अगर लेवल 3 का वेस्ट पहना है तो गाइस वहां पे ये वाला गन स्किन लेवल 3 के वेस्ट के ऊपर 61 करके डैमेज देता है, जो कि यार काफी अच्छा डैमेज है। और गाइस अगर मैं बात करूं लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर होने वाले डैमेज का, तो इस गन स्किन से आप लोग लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर 60 करके डैमेज दे सकते हो। और गाइस वहीं पे लेवल 2 के वेस्ट के ऊपर ये वाला गन स्किन 64 करके डैमेज देता है। तो गाइस ये जो गन स्किन है इसका आर्मर पेनिट्रेशन काफी ज्यादा अच्छा है वुडपेकर के एक नॉर्मल वेपन के मुकाबले। और इसके अंदर आप लोग को मैगजीन भी ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से आप लोग को इसके अंदर ज्यादा बुलेट भी देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस ओवरऑल मैं अगर बात करता हूँ इस गन स्किन के मूवमेंट स्पीड के बारे में, तो गाइस देखो मैं आपको पहले बता दूं ये वाला एक लॉन्ग रेंज का वेपन है। और गाइस किसी भी लॉन्ग रेंज के अंदर अगर मूवमेंट स्पीड माइनस होता है या रिलोड स्पीड माइनस होता है, तो गाइस उस चीज से आप लोगों को गेम के अंदर बहुत ज्यादा कुछ फर्क देखने के लिए नहीं मिलता। तो गाइस चलो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं हमारे नेक्स्ट गन स्किन के बारे में। तो गाइस मैंने यहां टॉप 4 पे रखा है वुडपेकर के इस ब्लू वाले गन स्किन को, जो कि यार लुक वाइज काफी ज्यादा कमाल का लगता है। और गाइस अगर मैं बात करता हूं इस गन स्किन के एट्रीब्यूट्स का, तो इसके अंदर आप लोग को रेंज डबल प्लस देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ यहां पे आप लोग को आर्मर पेनिट्रेशन भी सिंगल प्लस देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस यहां पे मैगजीन को सिंगल माइनस कर दिया गया है। तो भाई देखो यार ये वाला भी गन स्किन काफी ज्यादा कमाल का गन स्किन है। ये वाला गन स्किन बहुत दिन पहले हमारे वेपन रॉयल के अंदर आया था। और गाइस आई होप कि आप लोगों ने ये वाला गन स्किन निकाला होगा। और गाइस अगर मैं बात करता हूं इस गन स्किन के परफॉर्मेंस के मामले में, तो गाइस देखो ये वाला गन स्किन काफी ज्यादा अच्छा गन स्किन है। जैसे मैंने टॉप 5 की गन स्किन के बारे में बताया, टॉप 5 वाले गन स्किन के अंदर आप लोग को जो आर्मर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा था, आप लोग को सेम आर्मर पैटर्न इस गन स्किन के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। यानी गाइस इस गन स्किन से भी आप लोग वेस्ट के ऊपर काफी तगड़े डैमेज दे सकते हो। लेकिन गाइस यहां पे इस गन स्किन का सबसे खास बात यह है कि इस गन स्किन से अगर आप लोग एक बहुत ज्यादा सुपर लॉन्ग रेंज वाले एनिमी के ऊपर मारते हो, तो गाइस वहां पे अगर बंदे ने वेस्ट पहना होगा तो गाइस उसके ऊपर ये वाला गन स्किन जो डैमेज होता है इसका डैमेज कम नहीं होगा, इसका डैमेज ठीक ठाक ही डैमेज होगा। यानी गाइस आप लोग इस गन स्किन से एक बहुत ज्यादा दूर के एनिमी के ऊपर भी काफी अच्छा खासा डैमेज दे सकते हो। तो गाइस ओवरऑल ये वाला गन स्किन यार काफी ज्यादा ठीक ठाक गन स्किन है। तो गाइस तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि तुम लोग में से कितने बंदों ने इस गन स्किन को वेपन रॉयल से निकाला था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस इसी के साथ अगर वीडियो तुम लोग को अच्छा लग रहा हो तो यार प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। और गाइस प्लीज अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सपोर्ट करो आप लोग मेरे चैनल को भी, क्योंकि गाइस मुझे भी आप लोग के सपोर्ट का यार काफी ज्यादा जरूरत रहता है। तो गाइस चलो इसी के साथ अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गन स्किन के बारे में। तो गाइस मैंने यहाँ टॉप 3 पे रखा है वुडपेकर के इस न्यू वाले गन स्किन को, जो कि यार अभी हमारे गेम के अंदर रिसेंट आया है, एकदम ताजा ताजा आया है। और गाइस अगर मैं बात करता हूँ इस गन स्किन के एट्रीब्यूट्स का, तो इसके अंदर आप लोग को डैमेज सिंगल प्लस देखने के लिए मिल जाएगा, मैगजीन यहाँ पे डबल प्लस देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे रिलोड स्पीड को सिंगल माइनस कर दिया गया है। तो गाइस देखो अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ये वाला गन स्किन कैसा है, तो भाई देखो ये वाला गन स्किन अच्छा है, लेकिन गाइस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब यार ठीक ठाक ही गन स्किन आप लोग इसको बोल सकते हो।
और गैस इस गन स्किन के अंदर आप लोग को सिंगल डैमेज प्लस देखने के लिए मिल जाता है, यानी गैस तुम लोग इस गन स्किन से सामने वाले बंदे को ऊपर काफ़ी तगड़ा डैमेज दे सकते हो। मान लो अगर मैं बात करता हूँ इस गन स्किन के डैमेज का, तो गैस आप लोग यहाँ पे इस गन स्किन से एक विदाउट वेस्ट वाले एनिमी को ऊपर 74 करके डैमेज दे सकते हो, यानी गैस 74 करके डैमेज दे सकते हो, जो कि यार ठीक ठाक ही डैमेज है। क्योंकि गैस अगर मैं बात करता हूँ उट पेकर के एक नॉर्मल डैमेज का, तो गैस देखो उट पेकर का एक नॉर्मल वेपन एक विदाउट वेस्ट वाले एनिमी को ऊपर 72 करके डैमेज देता है, और गैस वहीं पे आप लोग इस गन स्किन से एक विदाउट वेस्ट वाले एनिमी को ऊपर 74 करके डैमेज दे सकते हो। तो गैस आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि आप लोग को यहाँ पे नॉर्मल डैमेज में और गैस यहाँ पे गन स्किन के साथ डैमेज में आप लोग को बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को नॉर्मल डैमेज में और गन स्किन के डैमेज में आप लोग को यहाँ पे सिर्फ 2 डैमेज का फर्क देखने के लिए मिल जाएगा। और गैस वहीं पे मैं अगर बात करता हूँ इस गन स्किन के मैगजीन का, तो गैस यहाँ पे आप लोग को इस गन स्किन के अंदर मैगजीन नॉर्मल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। और गैस रहा बात इस गन स्किन के अंदर रिलोड स्पीड माइनस होने का, तो गैस इस गन स्किन के अंदर चाहे किसी भी एक लॉन्ग रेंज वाले वेपन के अंदर अगर रिलोड स्पीड माइनस होता है तो उस चीज़ से आप लोग को गेम के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो गैस देखो ओवरऑल ये वाला गन स्किन मतलब कि यार ठीक ठाक ही गन स्किन है, बहुत ज़्यादा अच्छा गन स्किन नहीं है। और गैस अगर मैं बात करता हूँ इस गन स्किन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ उट पेकर के इस वाले गन स्किन के साथ, तो गैस देखो आप लोग को यहाँ पे इन दोनों गन स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि गैस यहाँ पे आप लोग को इन दोनों गन स्किन के अंदर लगभग सेम ही एट्रीब्यूट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक गन स्किन के अंदर अगर आप लोग को डैमेज सिंगल प्लस देखने के लिए मिलता है, तो गैस वहीं पर आप लोग को एक के अंदर आर्मर पैंट्स सिंगल प्लस देखने के लिए मिलता है। फर्क बस इतना ही है कि गैस यहाँ पे एक गन स्किन वेस्ट के ऊपर काफ़ी तगड़ा डैमेज देगा, और गैस वहीं पे एक गन स्किन एक विदाउट वेस्ट वाले एनिमी के ऊपर काफ़ी तगड़ा डैमेज देगा। तो गैस देखो अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे उट पेकर का ये न्यू गन स्किन मैं ले लूँ, तो भाई देखो उट पेकर का ये न्यू गन स्किन मतलब उतना भी कुछ ज़्यादा खास गन स्किन नहीं है। तो चलो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गन स्किन के बारे में, यानी गैस हमारे लिस्ट के टॉप 2 के गन स्किन के बारे में। तो गैस मैंने यहाँ टॉप 2 पे उट पेकर के एक नहीं बल्कि यहाँ पे मैंने 2 गन स्किन को रखा है। पहले नंबर पर आता है हमारा उट पेकर का ये सुपर स्टार वाला गन स्किन, जो कि काफी ज्यादा कमाल का गन स्किन है। और गैस वहीं पे मैंने यहाँ दूसरी तरफ रखा है उट पेकर के इस वाले गन स्किन को, ये वाला भी गन स्किन काफी ज्यादा कमाल का गन स्किन है। और गैस अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों गन स्किन के एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो गैस यहाँ पे आप लोग को इन दोनों गन स्किन के अंदर लगभग सेम एट्रीब्यूट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों ही गन स्किन के अंदर आप लोग को डैमेज सिंगल प्लस देखने के लिए मिल जाएगा। एक के अंदर आप लोग को एक्यूरेसी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, तो एक के अंदर आप लोग को रेंज अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो गैस वैसे तो यार मेरे पास इन दोनों गन स्किन में से कोई भी गन स्किन नहीं है, लेकिन गैस तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि तुम लोग पास यहाँ पे इन दोनों गन स्किन में से कौन सा गन स्किन है। और गैस इन दोनों गन स्किन के डैमेज सेम ही रहने वाला है, यानी गैस ये दोनों ही गन स्किन एक विदाउट वेस्ट वाले में ऊपर 47 करके डैमेज देंगे। तो गैस चलो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लिस्ट के टॉप 1 के गन स्किन के बारे में। तो गैस मैंने यहाँ टॉप 1 पे रखा है उड पेकर के इस रेड बूस्टर वाले गन स्किन को, जो कि यार काफी ज्यादा कमाल के गन स्किन है। और गैस अगर मैं बात करता हूँ इस गन स्किन के एट्रीब्यूट्स का, तो इस गन स्किन के अंदर आप लोग को रेट ऑफ फायर सिंगल प्लस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यार काफी ज्यादा अच्छा बात है। और इस गन स्किन के अंदर आप लोग को रेंज डबल प्लस देखने के लिए मिल जाता है, और गैस यहाँ पे रिलोड स्पीड को सिंगल माइनस कर दिया गया है। तो गैस देखो ओवरऑल ये वाला गन स्किन यार काफ़ी ज़्यादा कमाल का गन स्किन है। ये वाला गन स्किन उट पेकर का पहला ऐसा गन स्किन है जिसके अंदर आप लोग को रेट ऑफ फायर दिया जाता है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात है। क्योंकि गैस जैसा कि आप सभी को पता होगा उट पेकर के अंदर आप लोग को रेट ऑफ फायर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कम दिया जाता है, लेकिन गैस आप लोग को यहाँ पे इस गन स्किन की मदद से उट पेकर के अंदर आप लोग को काफ़ी अच्छा रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिल जाता है। तो गैस देखो ओवरऑल ये वाला गन स्किन यार मेरे हिसाब से उट पेकर का सबसे बेस्ट गन स्किन है, लेकिन गैस आप लोग को क्या लगता है ये वाला गन स्किन हमारे लिस्ट के टॉप 1 पे रहना चाहिए था या नहीं रहना चाहिए था, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन गैस मेरे हिसाब से ये वाला गन स्किन मेरे को उट पेकर का सबसे ज़्यादा बेस्ट गन स्किन लगा। तो गैस इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और गैस आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर तुम लोग मेरे पहली बार आ रहे हो तो यार सपोर्ट करो आप लोग मेरे चैनल को भी, क्योंकि गैस मुझे भी आप लोग का सपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा जरूरत रहता है। तो गैस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बाय।